बढ़ती हुई चोरियों पर शिकंजा कसने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अभी तक तो लोगों के घरों पर चोर सेंध लगाते थे, लेकिन अब मंदिरों पर भी चोर निशाना साध रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उज्जैन शहर के फव्वारा चौक स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर में एक चोरी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि कल सुबह घटना के बारे में मंदिर के पुजारी व्याम जन को जानकारी लगी, जिसके बाद पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस के मुताबिक देर रात को मंदिर के पुजारी आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद करके मुख्य द्वार पर ताला लगा कर चले गए थे। प्रतिदिन की तरह आज भी जब भक्त मंदिर पर पहुंचे तो पाया कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था और माता की प्रतिमा के आसपास सामान बिखरा पड़ा था। वहीं इस दौरान भक्तों ने पुजारी को सूचना दी, जिसके बाद पता चला कि माता की प्रतिमा से चोर चांदी का मुकुट और कुछ नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस चोरों की खोजबीन में जुट गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। और हमें सब सवेरे मालूम पड़ा, एक पत्रकार आते हैं सुबह 5 बजे दर्शन करने, उनने फोन करा कि माता की कपड़े अपड़े चुन्नी उन्नी समझा पड़ी हुई है। फिर उनने मेरे भतीजे को फोन करा और फिर आसपास के लोगों ने बताया कि भैया सुबह यहाँ आए जब कपड़े यहीं पड़े थे, फिर मेरे खबर हुई, फिर हमने ताला खोल के मालूम पड़ा कि फिर चुन्नी उन्नी उड़ाई और सारा सामान अस्त व्यस्त था, ताला टूटा नहीं। उसके बाद भी मुकुट निकाल के ले गया। पहले भी हो चुकी है क्या ऐसी इस प्रकार की घटना? 8-10 साल पहले पेटी चुरा के ले गया था यहाँ से।